तो मोमानी ने हमें बोला कि हम मामू गए हुए हैं बरसी में और इतना तैयार होके गए हुए तो भाई मोमानी ने हमारे लिए खाना बना लिया है और मोमानी अब तो तकल्लुफ कर लिया तो अब खा लेते हैं हम, मसला थोड़ी है। मैं हाँ मोमानी की आंख बनी थी, मोती आ गया था दोनों आंखों में, अब यानी कि दीवार से आर पार नजर आया था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग गाइस। एक नए व्लॉग के साथ हम दोनों आज फिर से हाजिर हैं आप लोगों की, तीसरा भी है, हम तीनों हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में। तो सो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कल मेरे अम्मी का जो व्लॉग मैंने बताया था, अम्मी और बहन का, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं अपने मामू के घर पे, हमारे मामू ने एक नया घर लिया है, 2-3 महीने हो गए तकरीबन जाने के, प्लान काफी दिनों से बन रहे थे तो नहीं जा पा रहे थे, आज फाइनली हमारा डिसाइड हुआ कि हम जा रहे हैं अपने मामू के घर पे। और हमारे मामू, हमारी जो मोमानी है ना, वो ऐसी कोई तफरी है ना जो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। हर खानदान में कोई एक ना एक मजेदार कैरेक्टर होता ही है भाई। तो हमारी मोमानी हम उनसे बहुत तफरिया करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन वो ये कि बुरा किसी चीज का नहीं मानती है। तो चलिए आज चलते हैं हमारे मामू के घर पे। आज का व्लॉग मिस नहीं करेगा क्योंकि आज का व्लॉग भी कल की तरह बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग होने वाला है। अरे गाइस, को रास्ते से मुझे अम्मी को भी लेना है, चलो अम्मी के साथ ले लेते हैं, तो वो भी घर पे अकेली होती है हमारी, मेरी अम्मी। तो मैंने अम्मी को कॉल तो कर दी थी कि अम्मी 7:30 बजे चलेंगे तो आप निकल रहे, अम्मी भी रेडी हो गई अपने घर पे। हाँ सुना, बाहर बारिश हो रही, कमरे में अकेला, 2 घंटे सारे मुझे सोने की देर, लेकिन लेडीज मुस्तल में तो हो जाता है ऐसा, मैंने मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सब पूछो ना। वाओ वाओ वाओ, ये कहाँ से आ गया है भाई, खतरनाक किस्म का आदमी देखें। तो बस चलते हैं गाइस मामू घर में। तो सो गाइस कुछ लेते हुए चलते हैं यार। A few moments later, मामू घर पे मैं आ गया हूँ और अम्मी ने आने से मना कर दिया है। अम्मी को लेने भी गया, पहले तो उन्होंने हामी भर दी, अब जब मैं लेने गया तो उन्होंने बोला भाई मैं तो नहीं जा रही। चले बाहर हम लोग आ गए, मामू घर पहुंच गए, तो चढ़ रहे ऊपर, हमारे मामू 4th फ्लोर पे रहते ना, 4th फ्लोर। तो भाई मामू के घर पे मैं आ गया हूँ और ये हमारी मोमानी नमाज पढ़ रही है, और हमने पूछा आके मोमानी से कि मामू कहाँ हैं, तो मोमानी ने हमें बोला कि हम मामू गए हुए हैं बरसी में, और इतना तैयार होके गए हुए कि मोमानी बोल रही है, मैंने उनसे पूछा है कि बरसी में जा रहे हो कि बरा नमाज पढ़ ले, मैं आपको मोमानी से मिलाता हूँ हमारी। तो गाइस ये हमारी मोमानी, खानदान में आपको पता है कोई ना कोई एक मजेदार होता है, ये हमारी मोमानी भाई। भाई मैं 3 महीने के बाद घर पर आया हूँ और अगर फोन नहीं करती ना तो कसम खुदा की मैं आता भी नहीं, यकीन माने शराफ था आप लोगों से ऐसी। सबसे पहले हमने बताया था कि हम जा रहे हैं। नहीं भाई, तेरी मेरी बीवी को कब बताया हमें, बताओ मोमानी जाने से पहले कोई नहीं आया, मैसेज नहीं आया, कहा मैसेज कर देना, तो फिर वो गई तो थी हमारी बहू में, हमारी बहू भाई, इनकी बहू आएगी भाई। तो भाई ये अभी मोबाइल हमारा मोबाइल से चलता रहता है और बस मोमानी बहुत तफरी करवाती है, तो आते हैं ये हमारे, घर लिया तो हम इनको काट देते हैं। भाई काट देना चाहिए ना भाई, ये हमारे सबसे बड़े मामू का घर है, असला मामू जो इसका नहीं है, गए हुए तैयार होके गए, तैयार होके बर्सी में गए हुए या पर्सी में गए हुए की बात में गए हुए, ये हमें नहीं पता मामू का घर। मोमानी आपको लेके नहीं गए, मोमानी के साथ तो हफ्ते में 2 डेटे मारते मामू है, ये मोमानी है मैंने पोता, हाँ ये भाई ये पोता है आदि, पोते पोती का है वो रे पोटी जाओ बोली पोती पोती भाई पोती। भाई मोमानी कह रही है डॉलर देखें आप कितना महंगा हो गया है, मोमानी कितने डॉलर भरे में जायदाद निकाल सकते हैं, पलंग के नीचे डॉलर भरे हैं। मानी $200 दे दो खाली में, मानी मानी रेट पूछ रही मेरे से डॉलर के रेट गए, भाई मानी डॉलर, अल्लाह तुम्हारी जमान मुबारक करे, मानी डॉलर की बारिश हो, बस ऐसी बारिश हो। हाँ मोमानी की आंख बनी थी ना, मोमानी क्या हुआ, मोती आ गया था दोनों आंखों में, इसमें तो पहले ही हुआ था, ये खराब हो गई थी, इसमें काला पानी, अच्छा। अब यानी कि दीवार से आर पार नजर आया था। ये इनका बेटा बैठा है जानदेव, वो उसकी बेटी, ये बबलू का बेटा और ये हमारा मूसा है,
मुस्तफा ही है, मुस्तफा और हमारे अहमद साहब हैं। तो भाई मुमानी ने हमारे लिए खाना बना लिया है और हम खा रहे हैं खाना। मुमानी अब तो तकल्लुफ कर लिया तो अब खा लेते हैं हम, मसला थोड़ी है। वैसा सबसे पहले इंसान को खानी चाहिए मूली भाई, और जब आप खीरा। तो भाई देखिए मुमानी ने हमारे लिए इतना तकल्लुफ कर दिया है कि हमारे लिए मटर के चावल और चिकन की कढ़ाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुमानी सब्जी बनाई है ना ये? ओए होए, आलू है, आलू को डाले, आलू की है ना। अरे यार मुमानी कसम खुदा की सब्जी खाने का मेरा इतना दिल चाह रहा था ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो इसी बात पे प्लेट उठा दो भाई हमारी, प्लेट प्लेट भाई। खाना खा रहे हम लोग, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलो मुमानी मैं तो जा रहा हूँ, 11:30 हो रहे हैं। मामू तो अभी तक आए नहीं भाई हमारे, सही है। और बकवास मुमानी के वो गए हैं बर्थी पे, लेकिन बास्केट वगैरह पहन के गए, तो मुझे लग रहा है वो निका विका करने गए हैं। मेरे ख्याल से डेट पे तो गए, 100% डेट पे गए। मुमानी यही बोल रहे हैं कि मैं बर्फी में जा रहा हूँ। मुमानी कह रही है बर्फी में गए वो दफना, उसको निकाला हुआ मुर्दे को फिर दफनाया होगा। अभी इतना टाइम लग गया मगरिब से, ईशा और अब तो माशाल्लाह 11:30। मुमानी इतनी देर बर्फी नहीं होती, निकाह के बाद खाना होता है। अरे निकाह होता है फिर खाना होता है, उसके बाद फिर मामला तय होते हैं भाई। माँ को 11:30 हो रहे हैं, सोचे कौन सी बर्फी होती है ऐसी भाई। मुमानी यार सब्सक्राइब का तो बोल दो यार, गाइस सब्सक्राइब कर दे चैनल का, दबा दो गाइस चैनल का, दबा दो सब्सक्राइब तो करवा दो यार, कोई कर ही नहीं रहा सब्सक्राइब हमारे को भाई। लाइक बोलो भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल, सब्सक्राइब कर दो। भाई ये था हमारा आज का ब्लॉग, मामू के घर पे हम लोग आए हुए थे। आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलता हूँ कल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और ये